नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा अपडेट जानते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जानते हैं। 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ये पर्व भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। हर साल सावन की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहारों पर मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। इसी साल रक्षाबंधन पर एक नहीं बल्कि 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिसे एक दिन का महत्व दोगुना बढ़ गया है। अच्छे मुहूर्त, शुभ योग और भद्रा रही काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से उसके हर कार्य सफल होते हैं। श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन 2022 की तिथि व शुभ मुहूर्त की जानकारी लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 11 अगस्त 2022 से सुबह 10:38 से। जी हां दोस्तों, आप 11 अगस्त को सुबह 10:38 से अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं, वो 12 अगस्त 2022 7 बजे तक। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सोना, चांदी, आटा, दाल जैसी जरूरी चीजों के दाम में एक साल बाद कमी की शुभ शुरुआत हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा 31 अगस्त को तीज के साथ शुरू हो रहे त्योहारी सीजन से मिलेगा, क्योंकि इसके साथ खरीदारी का दबाव बढ़ जाएगा। सितंबर में नवरात्र महोत्सव के बाद नवंबर से दिसंबर तक शादियों की धूम रहेगी। व्यापारियों के मुताबिक दलहन की नई पैदावार आने हुए आयातक देशों में तिलहन फसलों की अच्छी पैदावार की संभावना के कारण भावों में कमी हो रही है। कीमतों में कमी का यह फायदा नॉन GST वाली पैकिंग पर ही मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कारण सोने चांदी के दाम में कमी हो रही है। 3 महीने में ज्वारती सोना 2500 रुपये प्रति चोला और चांदी 15700 रुपये प्रति कीमत तक सस्ते हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। 50 पैसे के पेपर से छापे 500 और 2000 के नोट। बीकानेर में एक साल से चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री देखकर पुलिस भी हैरान है। 2,64,00,000 की रकम किसी बड़ी मशीन से नहीं बल्कि एक सामान्य से एक जेट प्रिंटर से छाप रहे थे। जिस कागज पर नोट छाप रहे थे वो भी सामान्य है, आसानी से बाजार में मिल जाता है। इन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से नकली नोट छापने का काम सीखा। अब पुलिस इस सॉफ्टवेयर का पता लगाने में जुटी है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में बारिश से 40 से ज्यादा बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। 3 दिन में 16 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 जिलों में टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर में तेज बारिश देखने को मिली है। पिछले 25 दिन के अंदर 40 से ज्यादा छोटे बड़े बांधों में पानी आने से ओवरफ्लो हो गए हैं। सोमवार को अलवर में मकान ढहने से एक भाई बहन की मौत हो गई है। जयपुर मौसम केंद्र ने आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भिलवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई थी। जबकि 26 जुलाई को अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली, जोधपुर में अच्छी बारिश हो सकती है। 27 जुलाई को अलवर, झुंझुनू, सीकर में अच्छी बारिश हो सकती है। 28 जुलाई की बात करें तो 28 जुलाई को पूरी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, करौली, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर और अलवर जिलों में कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।